नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फार्माक्यूटिक्स जो कि सेमेस्टर वन का सब्जेक्ट है उसमें सपोजिटरी बेसिस के बारे में कि कौन कौन से बेसिस होते हैं जो हम सपोजिटरी में ऐड करते हैं सपोजिटरी की कोई भी शेप मेंटेन करने के लिए और उसे स्टेबल बनाने के लिए तो देखते हैं सपोजिटरी बेसिस होते क्या हैं जो सपोजिट्री बेसिस होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं सपोजिटरी की एक पार्टिकुलर शेप मेंटेन करने के लिए उसे सॉलिड फॉर्म में ही रखने के लिए उसकी सॉलिडिटी के लिए और जब उसे इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटी में उस बेनिफिट के लिए सपोजिटरी बेसिस प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग देयर शेप सॉलिडिटी एंड आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल व्हेन इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस की कौन कौन से टाइप के सपोजिटरी बेसिस होते हैं पहला होता है ऑयली बेसिस जिसे ऑलिगनस बेसिस भी बोलते हैं दूसरा है वाटर सोलीबल या फिर वाटर मिसिबल बेसिस और लास्ट है इमल्सीफाइंग या फिर सिंथेटिक बेसिस तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले ऑयली बेसिस और ओलिगनस बेसिस जिसमें सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज बेस होता है ऑयली बेसिस में वो होता है कोको बटर जो कोको बटर होता है वो हमें ऑप्टेंट होता है जब हम थियोब्रोमा कोका का जो सीड होता है उसे रोस्ट करते हैं तो हमें कोका बटर ऑपटेंट होता है कोका बटर इज डिफाइंड एज द फैट ऑपटेंट फ्रॉम रोस्टेड सीड ऑफ थियोब्रोमा कोका इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सपोजिटरी बेस नेक्स्ट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कोका बटर एडवांटेजेस में मेल्टिंग पॉइंट जस्ट बिलो द बॉडी टेम्परेचर मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ही कम होता है जब हम इसे इंसर्ट करते हैं अपनी बॉडी कैविटी में तब ये जल्दी से बॉडी कैविटी में जाके मेल्ट हो जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है नेक्स्ट है मेंटेन इट्स सॉलिडिटी एट यूजुअल रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उसमें अपनी सॉलिड फॉर्म में मेंटेन रहता है जिससे हम इसे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं बॉडी कैविटीज में नेक्स्ट है रेडिली लिक्विफाई ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग जब हम इसे हीट देते हैं थोड़ी सी भी तो ये लिक्विड फॉर्म में चला जाता है सॉलिड से और जब कूल cool करते हैं तो ये लिक्विड से वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है नेक्स्ट हैं डिसएडवांटेजेस कोको बटर के एक तो रैंसिडिटी इसमें फिजिकल केमिकल चेंजेस हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर इसे स्टोर नहीं करेंगे दूसरा स्टिक टू माउल जो हम इसे प्रिपेयर करेंगे माउल्स प्रिपरेशन करने के टाइम में यूज़ किया जाता है जिसके हम अंदर जो भी हमारी एंटीसेप्टिक है उसे ऐड करते हैं Uh, माउल्ड एक सांचे की तरह होता है जिससे जब वो सॉलिडिफाई uh, हो जाता है तब तो उसे निकाल लिया जाता है तो कभी कभी ये uh, अगर अच्छे से सॉलिडिफाई ना हुआ हो लिक्विड फॉर्म में हो तो ये माउल से चिपका भी रह जा सकता है नेक्स्ट है लीकेज फ्रॉम बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी से लीक भी कर सकता है कॉस्टली महंगा भी है और इनविजिबिलिटी विथ बॉडी फ्लूड अगर बॉडी फ्लूड के साथ ये इन हो तो हमारे जो इसका प्रॉपर फंक्शनिंग है उसमें परेशानी हो सकती है कोका बटर के बाद आता है इमल्सिफाइंग कोका बटर जिसे हम यूज़ कर सकते हैं बेस की तरह सपोजिटरी बनाने के वक्त इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल में भी यूज एज अ बेस व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस आर टू तो बी इनकॉर्पोरेटेड जो इमल्सिफाइड कोको बटर होता है उसे हम तब यूज़ करते हैं बेस की तरह जब हमें ज़्यादा अमाउंट में सपोजिटरी बनानी हो लार्ज प्रोडक्शन करना हो सपोजिटरीज का तब हम कोको uh, बटर की जगह इमल्सिफाइड कोको बटर यूज़ करते हैं नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स आर यूज एज अ सब्सटिट्यूंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल थियोब्रोमा ऑयल का सब्सटिट्यूट है hydrogenated ऑयल्स एग्ज़ाम्पल hydrogenated एडिबल ऑयल कोकोनट ऑयल hydrogenated पी ऑयल stearic एसिड एटसेट्रा ये सभी hydrogenated ऑयल्स होते हैं नेक्स्ट है hydrogenated ऑयल्स के एडवांटेजेस अगर हम ओवर हीट भी कर दें इन्हें hydrogenated oils को तो ये अपनी सॉलिड फॉर्म में ही मेंटेन रहते हैं अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते overheating does not affect the solidifying point they are resistant to oxidation matlab मतलब oxidation in me easily nahi hota uh, rancidity ye show nahi karte in me physical chemical changes nahi hote next hai lubrication of mould is not required jab hum inhe prepare kar rahe hote hain hydrogenated bases ko uh, तो lubrication हमें mould की पहले करनी पड़ती है ताकि हमारा जो solidify होने के बाद जो हमारी base है जो हमारा प्रिपरेशन है वो उस ईजिली माउल में से बाहर आ जाए सॉलिडिफाई होने के बाद पर हाइड्रोजीनेट ऑयल्स में उसकी ज़रूरत भी नहीं होती नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस हाइड्रोजेनेटेड ऑयल्स के ऑन रैपिड कूलिंग दे बिकम ब्रिटल जब हम उन्हें रैपिडली कूल करते हैं टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जल्दी से नीचे कर देते हैं तो वो ब्रिटल हो जाते हैं हार्ड हो जाते हैं वन मेल्टेड दे आर मोर फ्लुइड दैन थियोब्रोमा ऑयल एंड रिजल्ट इन ग्रेटर सैडिमेंटेशन ऑफ द एडिड सब्सटेंस जब हम इन्हें मेल्ट करते हैं हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स को तो वो ज़्यादा लिक्विड हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं ईजीली थियोब्रोमा ऑयल के कम्पेरिजन में जिसकी वजह से सैडिमेंटेशन रेट जो उसमें हमने ड्रग्स एड किए हैं उनका सेडिमेंटेशन हो जाता है और वो अपना जो एक्शन है थेराप्यूटिक एक्शन वो शो नहीं कर पाते ये हमने पढ़े ऑयली बेसिस और ऑलिग्नस बेसिस इसके बाद सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे वाटर सॉलीबल और वाटर मिसिबल बेसिस जिसमें सबसे पहले आता है ग्लिसरो जिलेटिन बेस ग्लिसरॉल वाटर और जिलेटिन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ग्लिसरोजिलेटिन बेस इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरिन या फिर ग्लिसरॉल बोल सकते हैं एंड वाटर विच इज मेड स्टिफ बाई द एडिशन ऑफ जिलेटिन ग्लिसरॉल और वाटर का ये मिक्सचर होता है जिसे हम थोड़ा गाढ़ा बनाते हैं मतलब सॉलिड बनाते हैं थोड़ा जिलेटिन ऐड करके नेक्स्ट है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ग्लिसरोजिलेटिन बेस के एडवांटेजेस इट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है इजीली मिक्स हो जाता है बॉडी फ्लूड के साथ नॉट रेंसिड मतलब रेंसिडिटी भी शो नहीं करता ऑक्सीडेशन नहीं होता इसमें इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर सपोजिटरीज यूजिंग बॉरिक एसिड आयोडाइट्स आयोडोफॉर्म और ओ पी नेक्स्ट है डिसडवाटेज ग्लिसरोजिलेटिन बेस के डिफ़िकल्ट टू प्रपेयर एंड हैंडल इसे प्रपेरेशन करने में और हैंडलिंग करने में डिफ़िकल्ट होता है ये चांसेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है और कॉन्टामिनेट हो सकता है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर जब हम ग्लिसोजिलेटिन बेस को एयर में रख देते हैं तो ये आ, एयर से अपने अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है उसे हम बोलते हैं इसका हाइग्रोस्कोपिक है नेचर जिससे कॉन्टामिनेट हो जाता है नेक्स्ट है लेग्जटिव एक्शन लेग्जटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करता है पर अगर हमने इसे दूसरे किसी फंक्शन के लिए यूज़ किया है और ये कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करे तो वो भी इसका एक ही हो गया वाटर सॉल्यूबल बेसिस में सेकेंड आता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल these are commonly known as कार्बोवैक्सिस and polyglycols इन्हें हम कार्बोवैक्सिस और पॉलीग्लाइकोल्स बोलते हैं ये अवेलेबल होते हैं सॉलिड लिक्विड और सेमी सॉलिड तीनों स्टेट्स में उनके मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे उनकी स्टेट डिपेंड करती है एडवांटेजेस केमिकली स्टेबल होते हैं दे आर केमिकली स्टेबल इनर्ट नॉन इरिटेंट मतलब कोई भी इरिटेंट एक्शन अपना शो नहीं करते इरिटेशन शो नहीं करते डू नाट अलाउ बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ हो नहीं पाती प्रोवाइड प्रोलॉन्ग एक्शन ज़्यादा टाइम तक अपना इफेक्ट शो करते हैं डू नाट स्टिक टू माउल्ड प्रिपरेशन के वक्त पे ये स्टिक भी नहीं होते सपोजिटरीज आर क्लीन एंड स्मूथ इन अपेरेंस जो सपोजिट्रीज फॉर्म होती हैं पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल्स बेसिस से वो दिखने में क्लीन होती हैं और स्मूथ उनकी अपेरियंस होती है हमने सबसे पहले ऑयली बेसिस पढ़ लिया जिसे ऑलिग्नेस बेसिस भी बोलते हैं फिर हमने पढ़ा वाटर सॉलिबल और वाटर मिसिबल बेसिस और अब लास्ट में पढ़ रहे हैं इमल्सिफाइंग और सिंथेटिक बेसिस जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वाइट सोल दे कंजिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल फैटी एसिड विथ वेरीफाइंग परसेंटेज ऑफ पार्शियल एस्टर्स जो वाइपसॉल होते हैं ये ट्राइग्राइड होते हैं सैचुरेट वेजिटेबल फैटी एसिड्स के जिनमें कुछ अमाउंट कुछ परसेंट एस्टर्स भी ऐड होते हैं जो वाइप सॉल होता है उसमें कुछ अमाउंट बीज वैक्स की भी ऐड करी जाती है पर हर जगह ऐड नहीं करी जाती वो क्लाइमेट के हिसाब से ऐड करते हैं हॉट क्लाइमेट में ऐड किया जाता है जो वाइप सॉल होता है उसे जब हम प्रिपेयर करते हैं माउल्स के अंदर उसे सॉलिड बनाने के लिए उसे रैपिडली कूल cool नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम उसे रैपिडली कूल cool करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है ब्रिटल हो जाता है और फिर फ्रैक्चर मतलब कि ब्रेक हो जाता है बीच में से वाइप सॉल के बाद आता है मासाइशेरिनियम इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोनो डाई एंड ट्राइग्रिसराइड्स ऑफ सैचूरेटेड फैटी एसिड्स ये मिक्सचर होता है जिसमें मोनो डाई और ट्राइग्रिसराइड्स होते हैं सेचूरेट फैटी एसिड्स के ये वाइट कलर का होता है ब्रिटल होता है मतलब हार्ड होता है ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस लेस होता है मेल्टिंग पॉइंट माइनस थर्टी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस से थर्टी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद